गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स का सेकंड प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे. देखो, फर्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्क्रू गोज को यूज करना सीख लिया था. आज देखो, जो मैं आपको ये डिवाइस दिखा रहा हूँ, इसको अपने बोलते हैं वर्नियर कैलिपर. इससे भी हम क्या करते हैं, स्मॉल लेंथ जो लेंथ होती है उनको मेजर करते हैं, स्मॉल थिकनेस को मेजर करते हैं. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो अपना 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है उससे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्यूरेसी नहीं आती. ठीक है, तो अगर हाई एक्यूरेसी चाहिए तो हमको ये डिवाइसेस यूज करनी पड़ती है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज. देखो, वैसे इस पे हमारे दो एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे हम थिकनेस मेजर कैसे करते हैं, और जो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर ये जो इसके ये वाले जोज हैं उनके बारे में, इसकी जो स्ट्रिप है उसके यूजेस के बारे में बताऊंगा. वो अपना एक और प्रैक्टिकल होगा वर्नियर कैलिपर के अंदर. तो सबसे पहले इसको यूज करना सीखना है तो इसको समझना पड़ेगा. देखो, स्क्रू गोज की तरह इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर भी दो स्केल है. फर्स्ट ये नीचे वाला स्केल है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, और इधर एक बना हुआ है ये देखो छोटा छोटा, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल. जैसे उसके अंदर था मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, इसके अंदर है मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल. इसको भी यूज करने से पहले हमें इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा. लीस्ट काउंट का मतलब क्या, ये मिनिमम से मिनिमम कितनी वैल्यू नोट कर सकता है. तो वही जो अपना लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. क्योंकि पिछले वाले में सर्कुलर स्केल था तो मैंने बोला था पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसमें क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. तो अगर आप ध्यान से देखो, पिच कितनी होगी, मेन स्केल की दो कंजेगेटिव लाइंस के बीच की डिस्टेंस. अगर आप ध्यान से देखो तो मेन स्केल की दो कंजेगेटिव लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 mm. देखो यहां से लेकर यहां तक ये 1 cm है, तो इसका जो 10th पार्ट है ये 1 mm ही होगा, देखने से साफ पता लग रहा है. तो मैं इधर लिखूंगा 1 mm डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. अगर इसको आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितने, 10. ठीक है, तो 10 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा. इससे मेरे पास लीस्ट काउंट निकल के आ गया 0.1 mm. अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. तो ये जो डिवाइस है 0.01 सेंटीमीटर के ऑर्डर की डिस्टेंसिस को पूरी अच्छी तरह से नोट कर सकती है. अगर इससे भी छोटी डिस्टेंस हो तो ये भी एरर शो करेगी, लेकिन जो अपना नॉर्मल स्केल है उससे तो काफी टाइम ज्यादा एक्यूरेसी है उसकी. ठीक है, तो एक्यूरेसी इंक्रीज करके देता है, मेजरमेंट में एक्यूरेसी बढ़ती है हमारी. अब इसको यूज कैसे करना है, देखो यूज कैसे करना है, रिंस देना हो डस्टर. सपोज जैसे मेरे पास ये डस्टर है, इसकी मुझे थिकनेस मेजर करनी है. तो एक तरीका है, आप क्या करो, सेंटीमीटर स्केल यहां पे लगा लो, बता दोगे इसकी 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, इतनी कुछ थिकनेस है. लेकिन इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, 2.65 सेंटीमीटर है कि 2.64 सेंटीमीटर है, तो वो एक्यूरेसी हमें इससे मिलेगी. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके जो ये जॉज हैं, इसको जॉज बोलते हैं, इसके जॉज के बीच में वो डिवाइस लगा लो जिसकी थिकनेस हमें मेजर करनी है. और ये यहां से बंद होगा, देखो ये इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको यहां से रोल करके मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फिट करवा दूंगा. और वैसे ही सिर्फ इतना फिट करवाना है कि ये जस्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सके, क्योंकि अगर ज्यादा दबा दोगे तो वो ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो जाएगा, जिससे उसकी थिकनेस घट जाएगी. थिकनेस कम थोड़ी करनी है हमें, हमें तो मेजर करनी है. तो कर लिया, अब मैं बताता हूं इसकी थिकनेस कैसे मेजर करेंगे. सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे. देखो मेन स्केल की रीडिंग हम कैसे पढ़ पाएंगे, ध्यान से देखो, जो वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन है वो देखना कि ऊपर मेन स्केल पे कहां पे टच कर रही है, वो मेन स्केल की रीडिंग होगी. दोबारा सुन लो, वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन मेन स्केल में ऊपर कहां पे टच कर रही है. तो अगर आप देखो ये 4 सेंटीमीटर से कुछ कम है, इसको आप पढ़ोगे तो ये आएगा 3.6 सेंटीमीटर. तो 3.6 सेंटीमीटर देखो, क्योंकि इससे मुझे पता लगा ना ये 3.5 है, इससे आगे वाली लाइन जस्ट इसकी सीध में है, तो ये 3.6 सेंटीमीटर हमारी रीडिंग होगी मेन स्केल की. तो इसको मैं अभी नोट कर लेता हूं, ये होगी 3.6 सेंटीमीटर.
ठीक है, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वाला जो अपना स्केल है मेन स्केल ये सेंटीमीटर में है, तो ये 3.6 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग आ गई। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाल के हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम स्क्रू गोज में किया करते थे। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से सुनना। वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कुछ ऐसे लेंगे, हमें ये देखना होगा कि वर्नियर स्केल की जो 10 लाइंस हैं, इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो सर्कुलर सॉरी जो मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्टली मैच कर रही है, एग्जैक्टली अलाइन हो रही है, बिल्कुल सीध में आ रही है। इन 10 में से एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो ऊपर किसी ना किसी लाइन से एग्जैक्टली मैच कर रही होगी। जैसे इधर मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये वो लाइन है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे देखना है, ये वो लाइन है नीचे, इसकी थर्ड लाइन जो मेरे वर्नियर स्केल की थर्ड लाइन है, 1 2 3, ये थर्ड लाइन मेन स्केल के ऊपर जो लाइन बनी है उसके बिल्कुल परफेक्टली सीध में आ रही है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इसकी थर्ड लाइन ऊपर जो मेन स्केल की लाइन है यहाँ पे बनी हुई है सेंटीमीटर स्केल की, उसके साथ परफेक्टली अलाइन कर रही है, तो मेरी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लीस्ट काउंट से, क्योंकि देखो मेरा मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर में है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.01, तो ये मेरी रीडिंग होगी 0.3 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3.63 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गई इस डस्टर की थिकनेस। देखो अगर मैं नॉर्मल स्केल से मेजर करता तो 3.6 3.7 ऐसे कुछ या अंदाजे से बता देता। ये जो आगे वाला फ्रैक्शन है इसके बारे में हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते थे कि क्या होता, लेकिन वर्नियर स्केल से हम ये भी एक्यूरेटली बता पाए कि ये 3.63 है, ठीक है। आई होप वर्नियर स्केल यूज करना आपको आ गया होगा, और बाकी जो इसके पार्ट्स है जैसे स्ट्रिप्स हो गया, ये हो गया, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम बात करेंगे। तो ये दो प्रैक्टिकल्स आपके कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।